चल जा रहा है कि अभी मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदा। कैसे हो आप सब? आज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी अलग दिख रही हूँ। यस, मैंने कल जो हेयर सीरम अप्लाई किया था ना, हेयर लॉस वाला और हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, वो मैंने ओवरनाइट रखा था, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने चोटी बना ली है। आप देख सकते हो नीचे से मेरे बाल ना ऐसे हो गए, तो मुझे इसको भी कट करवाना है, ट्रिमिंग करवानी है। बट अभी मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं पार्लर सिर्फ दो चीज़ों के लिए ही जाती हूँ, ये बालों को सेट करवाने के लिए और आईब्रो बनवाने के लिए, बट अभी पार्लर भी नहीं जाऊंगी। और हाँ, आप यहाँ पर नोटिस करो कि मैंने एक मंगलसूत्र का पूरा कॉम्बो पहना है। आपको याद आया है कौन सा है? आई थिंक एक वीक पहले मैंने आप सबके साथ ज्वेलरी हॉल शेयर किया था, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपको मंगलसूत्र के कॉम्बो मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज यू नो आपको पूरे वीडियो में ठक 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 की आवाज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करना। अब बात करते हैं आज के हम पैक के बारे में। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा कॉफ़ी पैक बताने वाली हूँ, जो इंस्टेंट स्किन को ब्राइट करने में, स्किन को निखारने में हेल्प करेगा। पार्लर तो जाना अभी आप छोड़ ही दो, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो हम पार्लर जाना अवॉइड करते हैं। आई नो कि पार्लर में भी काफ़ी सेफ्टी वो लोग रखते हैं, फिर भी हमें नो डर लगता है कि हम जाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि राखी सीजन आने वाली है, राखी का फेस्टिवल आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सिंपल सा मैं आप सबके साथ कॉफी पैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप आपकी एक सेकेंड निकाल कर लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं ये जो पूरी प्रोसेस है ना, वो नहाने के पहले फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ना इसमें हमारा पूरा फेस मैसी हो जाता है, बाल भी खराब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज वैसे भी मुझे हेयर वॉश करने हैं, तो ये नहाने से पहले पूरी प्रोसेस करोगे ना, तो अच्छे से आप नहा लोगे ना, तो पूरा फेस भी क्लीन हो जाएगा और बाल भी आपके साफ हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखो कि कोई भी फेस पैक आप लगाओ, उससे पहले रोज वाटर की मदद से आप आपका चेहरा क्लीन कर लीजिए। आई नो कि हमने फेस वॉश किया होता है, फिर भी जो छोटी छोटी धूल मिट्टी होती है ना, वो हमारे फेस वॉश या तो साबुन नहीं निकाल पाता है। तो रोज वाटर की मदद से आप क्लीन कर लीजिए। और बारिश की सीजन में चेहरे के ऊपर स्वेट आ जाता है, तो रोज वाटर अच्छे से उसको क्लीन कर देता है। तो हम जो भी फेस पैक लगाएंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब हमारा ये है कॉफ़ी का फेस पैक, तो ऑलरेडी हमें कॉफ़ी चाहिए होगी, तो आपको यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितनी कॉफ़ी लेनी है। ये पैक आप आपके नेक एरिया पर, आप आपके हैंड एरिया पर भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होगी। बट मैं यहाँ पर जस्ट फेस के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। तो 1 टेबलस्पून जितनी आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी चलेगी, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि आपको ये ब्रांड लेनी है, कोई भी ब्रांड की आप कॉफ़ी ले सकते हो, आई मीन कॉफ़ी पाउडर आपको लेना है। फिर आपको उसमें करीब 1/2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस ऐड करना है। आपको गाइस पता नहीं होगा कि लेमन और कॉफ़ी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो जिद्दी से जिद्दी हमारे चेहरे के ऊपर सनटेन होता है, या तो डार्कनेस हमारी स्किन के ऊपर कई बार आ गई होती है, उसको लाइटन करने में और स्किन को जल्दी से निखारने में ये हेल्प करता है। तो 1/2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर लेमन जूस ऐड करना है। बाय द वे, आप यू नो पार्लर में आप नोटिस करोगे ना, तो जो डायमंड फेशियल, गोल्ड फेशियल होते हैं, उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है कंपैरिजन की जो चॉकलेट या तो कॉफ़ी फेशियल होता है, क्योंकि चॉकलेट और कॉफ़ी फेशियल सही में हमारी स्किन को टाइटन करने के साथ साथ ब्राइटनिंग भी करते हैं, इसीलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। बट आप घर पर चॉकलेट फेशियल कर सकते हो, मैंने कभी किया नहीं है, बट एक बार मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब इसमें आपको क्या करना है कि 1/2 टेबलस्पून जितना हनी ऐड करना है। हनी, कॉफ़ी और लेमन जूस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको कहीं पर पार्टी में जाना है, या तो आपको यू नो कोई फेस्टिवल आ रहा है, इंस्टेंट आपको चेहरे के ऊपर निखार चाहिए, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको सही में बोल रही हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अब तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपकी जो कंसिस्टेंसी है पैक की, वो रनी टाइप की बनेगी, लिक्विड जैसी बनेगी इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि पूरे फेस के ऊपर आपको इसे लगा देना है। मुझे वैसे फ्रेंकली बताऊं तो कॉफ़ी का फेस पैक लगाना पसंद है, बट कॉफ़ी की स्मेल या तो कॉफ़ी पीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बट कॉफ़ी का जो रिजल्ट है ना चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर, वो फास्ट मिलता है, इसीलिए मैं कॉफ़ी घर में रखती हूँ। बट
हमारे घर में कॉफी कोई पीता नहीं है, तो अच्छी तरीके से आप लगाते जाइए। इसमें हमने जो लेमन जूस यूज किया है उससे क्या होगा कि जो चेहरे के ऊपर अनइवननेस हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हमें हो जाते हैं या तो पिंपल के निशान कई बार हो जाते हैं, तो चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। तो स्किन को इवन आउट करने के साथ साथ जो टेनिंग होती है उसको हटाने के लिए, और जिनको ना पार्लर के फेशियल या तो ब्लीच सूट नहीं करते हैं उनको इस तरीके का पैक लगाना चाहिए। इसमें आपको फेशियल और ब्लीच दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। कॉफ़ी में कैफीन होता है वो आप सबको पता ही होगा, तो इससे स्ट्रेस दूर होता है, हमारी स्किन रिफ्रेश होती है, स्किन ग्लोइंग होती है, स्किन टाइट होती है, फॉर्म होती है। तो अच्छे से पूरे चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ये लोग उसी टाइम काम क्यों करते हैं, या उनको पता कैसे चल जा रहा है कि अभी मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। As you can see guys, कि यहाँ पर मैंने अच्छे से मीडियम लेयर में इसको अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली लेयर मत लगाए, मीडियम लेयर लगाए, ताकि क्या होगा कि अच्छे से ड्राई हो जाएगा, सूख जल्दी जाएगा। अब आपको इसे क्या करना है कि 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है। फिर कैसे निकालना है वो बताऊंगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप पानी की मदद से इसको धोगे ना तो काफ़ी चिपचिपा हो जाएगा, और बेटर हो सके कि आप नहाने से पहले ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ताकि क्या होगा कि हमने इसमें हनी यूज़ किया है, तो अगर आप नहाने के बाद ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो स्किन काफ़ी आपको चिपचिपी फील होगी। अब 8-10 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि हल्का गुनगुना पानी लेना है। इससे क्या होगा कि हमने जो हनी यहाँ पर यूज़ किया है उसकी जो चिपचिपा हटपन होता है ना उसका, वो अच्छे से निकल जाएगा, और आपको गीले इस तरीके से टॉवल की मदद से इसको क्लीन करते जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर हमने हनी, कॉफी और लेमन यूज किया था, उससे कितनी स्किन अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, साफ हो जाती है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, और स्किन के ऊपर एक ग्लो आ जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली। तो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने पानी की मदद से चेहरा अच्छी तरीके से धो लिया है। आप मेरे स्किन के ऊपर सिर्फ एक बार मैंने ये कॉफी, हनी और लेमन का पैक यूज किया था, उसका आप रिजल्ट देख सकते हो। मार्केट में जो महंगे फेशियल किट मिलती है या तो पार्लर में जाके हम फेशियल करवाते ना, उससे तो लाख गुना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन मुझे और आता है कि दीदी, जब भी हम कॉफी का पैक लगाते हैं तो स्किन थोड़ी सी जो होती है ना, उससे पहले वाली जो होती है ना स्किन, उससे थोड़ी सी डार्क दिखने लगती है, तो आप यू नो अच्छे से चेहरा अगर धोगे तो बिल्कुल भी स्किन डार्क नहीं दिखेगी, ये आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद आपका कोई अच्छा वाला मॉइस्चराइजर या तो कोई फेस क्रीम लगा लीजिए। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का जो लाइट मॉइस्चराइजर है, नॉन ऑयली और फ्रेश फील वाला, वो लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है। तो बस ये था मेरा आज का गाइस छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना, और अगर किसी तरीके के आपको यू नो राखी रिलेटेड कुछ अच्छे वाले ग्लोइंग DIY देखने हैं फेस्टिवल रिलेटेड, तो कमेंट जरूर करना, और राखी से पहले आप इसको ट्राई जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल।